दोस्तों फिलहाल डीडीए के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है और ये अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है, अगर आपने इसे मिस कर दिया ना तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे। और इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 2023 के अंदर आपको इतनी जबरदस्त, इतनी यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी मुश्किल ही देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट है जो कि इसे बाकी वैकेंसी से एकदम डिफरेंट बनाती है। तो आगे इस वीडियो में आपको इन्हीं प्लस पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि क्यों ये वैकेंसी इतनी खास है और क्यों आपको जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके इस एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा, इस वैकेंसी की सभी खास बातें आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलाउद के नाम से मिल जाऊंगा। देखिए दोस्तों, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 687 निकली हुई है, जिसमें से एक जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 194 वैकेंसी है। टोटल पटवारी की पोस्ट है, 40 वैकेंसी है। टोटल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, टोटल 125 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के टोटल 236 वैकेंसी रखी हुई है। वैसे दोस्तों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म तो ऑलरेडी अप्लाई किए जा रहे हैं, 3rd of June से फॉर्म की लास्ट डेट 2nd of July है। वैसे तो दोस्तों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड कर ही रखी है, फिर भी आपको इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूं, जो हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल वाली पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास कर रखा है सिविल ट्रेड से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट प्लस पॉइंट के बारे में जो कि इस वैकेंसी को सबसे खास बनाती है। दोस्तों, इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। देखिए दोस्तों, आपने नोटिस भी किया होगा, इस वैकेंसी की फॉर्म की लास्ट डेट है 2nd of July और इसका जो एग्जाम स्टार्ट होगा ऑफिशियली वो 1st of August से होगा, यानी कि एग्जाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अगर आपको एक जल्दी अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। बात करते हैं सेकंड प्लस पॉइंट के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो दो सबसे पसंद किए जाने वाली पोस्ट निकली हैं, जिसमें से एक है हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी ज्यादा है, 194, और ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 125 है। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं दोनों पोस्ट को पसंद कर रहे हैं और ये दोनों पोस्ट हमारी इक्विवेलेंट है SSC CHSL और SSC CGL। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट में आपने नोटिस किया होगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम है SSC CHSL वैकेंसी के, बिल्कुल इक्विवेलेंट पोस्ट है, सेम ग्रेड पे, सेम पोस्ट का लेवल है, क्योंकि SSC CHSL में भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। दूसरी हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि CGL लेवल की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, सेम सिलेक्शन प्रोसीजर है, सेम एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको इन दोनों पोस्ट के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास मांगा गया, जो कि CGL और CHSL में मांगते हैं। तो अगर आपने SSC CHSL CGL की तैयारी की है या फिर फिलहाल आप कर रहे हो, जैसे कि 2023 में दोनों वैकेंसी निकली, तो आपको इन दोनों पोस्ट के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप वही CGL CHSL वाला सिलेबस कवर कर लीजिए, आपकी ये वैकेंसी के लिए इन दोनों पोस्ट की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही सेम है, चाहे आपका टीयर फर्स्ट हो या फिर टीयर सेकंड हो, बिल्कुल सेम है, इतना सा भी चेंज आपका नहीं है। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल कट ऑफ उतना ही मार्क्स में से बनेगी जो CGL CHSL की वैकेंसी में बनेगी। बात करते हैं थर्ड प्लस पॉइंट के बारे में जो कि है लेस कॉम्पिटिशन। दोस्तों, इस वैकेंसी के अंदर बाकी वैकेंसी के कंपेरिजन में कॉम्पिटिशन काफी कम रहेगा, इसके अपने कुछ रीजन है, मैं आपको गिनाता हूं। पहला रीजन तो है फॉर्म फीस। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, तो इसी वजह से काफी सारे लोग ऑलरेडी पीछे हट गए हैं कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे। और मुझे पता है कोई भी यहां टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग नहीं करता, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज सबकी फैमिली में है, इसलिए 1000 रुपए बहुत ज्यादा होती है फॉर्म फीस, इसलिए एक कॉम्पिटिशन कम रहने का बड़ा रीजन बन जाता है। आपने SSC की वैकेंसी देखी होंगी, CHSL उठा लीजिए, CGL, CPO कोई भी उठा लीजिए, मैक्सिमम फॉर्म फीस 100 रुपए होती है, इसलिए वहां पर कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर केवल वही कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे
हैं जिनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं 1000 रुपए दे के फॉर्म तो अप्लाई कर रहा हूं लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करके ले जाऊंगा। और इसी टाइप के कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई भी करना चाहिए, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, कहीं से भी जुगाड़ लगाइए, लेकिन अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद की मेहनत के ऊपर बिलीव है कि मैं कर लूंगा, तो फॉर्म अप्लाई करिए, चाहे कुछ भी करिए। तो भाई ये एक बड़ा रीजन है। दूसरा, ये दिल्ली का डिपार्टमेंट एक अननोन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि डीडीए पहली बार हमने सुना एक रैंडम डिपार्टमेंट है। एसएससी यूपीएससी रेलवे के बारे में सब लोग जानते हैं, पुलिस की वैकेंसी के बारे में सब लोग जानते हैं, आर्म फोर्सेस के बारे में जानते हैं, उनके पीछे सब लोग भागते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अननोन डिपार्टमेंट निकल जाता है उसके लिए फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते। तो एक बड़ा रीजन ये भी है। दूसरा, लेस वैकेंसीज। एसएससी की वैकेंसी आती है, सीएचएससीजेल में आपको 2000, 3000, 5000, 10000 वैकेंसीज देखने को मिलती है, उसके पीछे ज्यादा लोग भागते हैं। यहां पर जब देखते हैं कि 40 वैकेंसी, 194 वैकेंसी, 125 वैकेंसी, तो लोग पीछे हट जाते हैं, यार इतनी वैकेंसी भी क्या हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट बैठता है कंपटीशन कम रहने का। क्लियर है? तो भाई 4-5 पॉइंट है जिसकी वजह से इस रिक्रूटमेंट के अंदर, इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन कम रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर वैकेंसी, जैसे कि एसएससी हो गया, सीएचएसएल में उठा के देख लीजिएगा, 30 लाख 40 लाख 50 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं, यहां पर इतना नहीं रहता है, कम रहता है उनके कंपैरिजन में, वो डिपार्टमेंट उसी लेवल का है। बात करते हैं भाई चौथे प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि लगा मुझे इसकी सैलरी का। देखिए फ्रेंड्स, जीएससी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 34 से 35 हजार आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। वहीं पर पटवारी की पोस्ट की अगर हम बात करें, 38 हजार आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 54 हजार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी ग्रुप बी की है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी 50 से 52 हजार आपकी रहेगी। अपने आप में काफी बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग सैलरी आपको मिलेगी इन पोस्ट के पर सिलेक्शन होने के बाद। बात करते हैं फिफ्थ प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारी जॉब लोकेशन। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है या फिर कोई भी वैकेंसी निकलती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है जॉब लोकेशन की, कि यार हम फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन पता नहीं जॉब लोकेशन कहां पे चली जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी दूर भेज सकते हैं, लेकिन इस वैकेंसी के साथ ऐसा नहीं है। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली का डिपार्टमेंट है, तो हमेशा दिल्ली एनसीआर के अंदर आप रहोगे, तो दिल्ली के अंदर आपकी इसमें जॉब लोकेशन रहेगी, कैपिटल के अंदर आपको रहकर जॉब करने का मौका मिल रहा है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या आपके लिए हो सकते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। बात करते हैं सिक्स्थ प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि मुझे लगा इसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर। देखिए फ्रेंड, जितनी भी हमारी पोस्ट है ना, सभी का जॉब प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 12th लेवल की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको हमेशा ऑफिस लेवल की जॉब करनी है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह आपको नहीं करना, मस्त 9 to 5 की जॉब है। ऐसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप काम करोगे। पटवारी की थोड़ी सी ऐसी पोस्ट है जहां पर आप ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर भी काम करते हो, आपको कभी कभी फील्ड के ऊपर भी जाना पड़ता है। कुल मिलाकर सभी पोस्ट हमारी बहुत ही बेहतरीन है, जो प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं है। बात करते हैं सेवंथ प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि डिपार्टमेंट। मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन है, दिल्ली का सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट माना जाता है डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली जल बोर्ड है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से भी बेहतरीन डिपार्टमेंट जो लगता है वो डीडीए, जिसमें सबसे कम करप्शन ऑलमोस्ट नहीं है, बढ़िया डिपार्टमेंट, सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़िया इस डिपार्टमेंट के अंदर, इंक्रीमेंट बहुत ही बढ़िया है बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में, लीव वगैरह। एक एम्प्लॉय के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या बेनिफिट होंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको डीडीए डिपार्टमेंट के अंदर ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फ्रेश, बड़े लेवल का डिपार्टमेंट है डीडीए, तो भाई मजा आ जाएगा सिलेक्शन होने के बाद। किसी को बोलोगे भी ना कि कहां पर जॉब करते हो, डीडीए के अंदर करता हूं, तो फीलिंग ही बेहतरीन आएगी, वो खुद समझ जाएगा कि यार डीडीए बड़ा डिपार्टमेंट है, बढ़िया जगह आपको जॉब मिल गई। तो ये एक प्लस पॉइंट लगता है कि डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं 8th प्लस पॉइंट के बारे में। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था 2019 में, उसने फॉर्म अप्लाई किया था डीडीए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही, शायद 2020 तक उसने सिलेक्शन ले लिया था, या फिर 2021 में कभी तो उसका सिलेक्शन हुआ था, लास्ट 2-3 ईयर में उसका सिलेक्शन हुआ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर उसकी पोस्टिंग हुई थी। 2 साल के अंदर ही वो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच गया, यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इन सभी पोस्ट के ऊपर प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा निकलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया डीडीए जबरदस्त डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू तो स्पेशली बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट, इंक्रीमेंट है, प्रमोशंस है, तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही भर भर के मिलेगी। अगर आपका अब सिलेक्शन जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है ना, तो कम से कम टाइम में 2 या 3 साल के अंदर आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलेगी, एक्सटर्नली भी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलेगी, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको प्रमोशन दिया जाता है, तो बहुत ही जल्दी आपकी पोस्ट में रैंक
में इजाफा हो जाएगा, आपकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी इस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग होने के बाद। बात करते हैं नाइन्थ प्लस पॉइंट के बारे में, जो कि वर्कलोड। इसी मेरे फ्रेंड ने बताया, क्योंकि इससे तो बात होती रहती है डीडीए के अंदर ही है, और तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। किसी भी वैकेंसी के बाद में ये वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, क्यों ये वैकेंसी खास है। बहुत ही कम वैकेंसी होती है, क्योंकि जिन डिपार्टमेंट के बारे में मुझे अच्छे से पता होता है उनके बारे में बताओ। किसमें तो मेरा फ्रेंड है, इसलिए मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे पता है, इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। तो भाई इन पोस्ट के ऊपर इस डिपार्टमेंट के अंदर वर्कलोड भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर वर्कलोड इतना होता है कि आप सुबह जाते हो बुरी तरीके से काम में उलझे रहते हो और शाम तक आपका काम भी खत्म नहीं होता, फिर अगले दिन वही बुरी तरीके से काम में लगे रहोगे और शाम तक आपका काम भी नहीं खत्म होता। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छा काम है, बिल्कुल फ्रेश काम है, वर्कलोड बहुत ही कम है। आप सुबह जाओगे, शाम तक आप अपना काम निपटा के खत्म करके आ जाओगे। तो ये 8, 9, 10 पॉइंट मैंने कवर करा दिए हैं जो कि इस वैकेंसी को सबसे खास बनाते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया वैकेंसी है, काफी टाइम बाद निकली है, आगे पता नहीं कब निकलेगी, तो अपॉर्चुनिटी इसको तुरंत ग्रैब कर लो, जाने मत दो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल फॉर्म निकले हो फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दूं, वे टू सक्सेस की पहली मैथमेटिक्स की बुक्स ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। अगर आपने ये दोनों बुक अभी तक परचेज नहीं करी तो ऑनलाइन परचेज करने के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब मैथमेटिक्स के अंदर भी हर एक एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आना, ये हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ है जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वांट्स पूरा दे रखा है, चाहे आपका अर्थमेटिक हो या फिर आपका एडवांस हो, की बुक के अंदर मिल जाएगी। ये हमारी ऑब्जेक्टिव है, इससे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी चैप्टर वाइज है, इसके अंदर भी पूरा क्वांट्स दे रखा है, और दोनों ही बुक हमारी बायलिंगुअल है। एक साथ कॉम्बो में परचेज करके जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर दिए, सॉरी जबरदस्त लेवल की तैयारी शुरू कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हां दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना सोनू अहलात के नाम से Instagram के ऊपर तो अवेलेबल हूं ही। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।